आज मैं बनाने जा रही हूँ हरे लहसुन की चटनी, जो कि स्थान में बहुत ही सब जगह मिलती है, बहुत ही इजीली अवेलेबल है ये, और बहुत ही फायदा करती है इसकी चटनी, जो कि आप इसे मतलब 15 दिन, 20 दिन या महीना भी इसे रख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं इसकी सामग्री क्या क्या है। ये मैंने हरा लहसुन लिया है 1/2 किलो, जिसे अच्छे से धुल के इसकी पत्तियां, इसे मैंने सुखा लिया था, इसका पानी पूरा सूख जाए, बस पत्तियां ना सूखने पाए, बस पानी इसका सूख जाए, ऐसे आप इसे करिएगा और इसे एकदम बारीक बारीक शेप में इसे काट लीजिएगा। और ये मैंने 100 ग्राम अदरक ली है, इसे भी धुल के अच्छे से उसका ऊपर का छिलका उतार के मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये मैंने 15 हरी मिर्च ली है, इसे भी धुल के अच्छे से सुखा लिया है। बिल्कुल किसी में भी पानी नहीं चाहिए, ना तो लहसुन में, हरे लहसुन में, ना तो ये अदरक में, और ना तो हरी मिर्ची में, तो इसमें बिल्कुल पानी नहीं लगा होना चाहिए। ये मैंने 3 चम्मच सरसों का तेल लिया है, 2 चम्मच अजवाइन ली है और 1.5 चम्मच नमक लिया है। नमक आप अपने स्वादानुसार लीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, बस ये सब सारा जो इंग्रेडिएंट्स है, ये सारी सामग्री लेके आपको बस मिक्सर के जार में इसे अच्छे से पीस लेना है। और ये मैंने 25 ग्राम अमचूर पाउडर लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसे जार को ले लिया है, और ये जार में आप बिल्कुल मतलब इसमें पानी नहीं लगा होना चाहिए किसी में भी, ये एकदम सूखा हमें इसे चटनी पीसना है ताकि ये काफी दिन टिक पाए, इसीलिए बिल्कुल किसी भी चीज में पानी नहीं लगा होना चाहिए। ये जार भी मैंने इसे अच्छे से धुल के एकदम इसे सूखा कर लिया है, कपड़े से पोंछ लिया है। अब ये सारी सामग्री लेके हम इसमें डाल के अच्छे से हम इसे पीस लेंगे। बस ये 2 मिनट में चटनी बनती है, बहुत ही स्वादिष्ट इस ठंड में ये चटनी लगती है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इस तरह से इसे एकदम पीस लिया है, बहुत ही महीन नहीं पीसना है इसे, आप इसे हल्का सा दरकस जैसे पीस लीजिएगा। ये मैंने हरा लहसुन, अदरक और मिर्ची, ये तीनों मिला के इसे अच्छे से पीस लिया है। और अब हम इसमें ये अजवाइन जो है ये डाल लेते हैं, नमक डाल लेते हैं, अमचूर पाउडर और ये सरसों का तेल, ये सारा डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको इसे साल भर भी ये टिक सकता है, आप इसे साल भर भी चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको तेल की मात्रा थोड़ी ज्यादा चाहिए, तो आपका ये साल भर चल जाएगा। जैसे अचार हम बनाते हैं तो उसमें तेल ज्यादा लगता है, उसी तरीके से इसमें भी जब आप तेल ज्यादा डालेंगे तो ये ज्यादा दिन टिकेगा, आप इसे साल भर भी चला सकते हैं, साल भर ये टिक सकता है। तो हम इसे सब अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है गाइस कि इसमें बिल्कुल ही पानी ना लगाओ किसी में भी, एकदम सब हर चीजें, बर्तन भी और सारे ये इंग्रेडिएंट्स भी सारे इसमें ड्राई होने चाहिए। बस हमें इसे अच्छे से मिक्स करके, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी चटनी 2 मिनट वाली एकदम तैयार हो गई है, बहुत ही टेस्टी लगती है ये। इस ठंड में आप ये चटनी खा के बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत ही टेस्टी, और प्लस ठंड से थोड़ा लहसुन तो आप जानते हैं हरा लहसुन कितना फायदा करता है। सो गाइज, अगर आपको मेरी ये हरे लहसुन की चटनी, अगर इसकी रेसिपी आपको पसंद आए, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो फिर मिलेंगे एक नई सुबह एक नई शुरुआत के साथ। टेक केयर।